गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो पर मैं बताऊंगी ई 207 का नेक्स्ट टॉपिक है पल्वराइजिंग प्लांट। कोयल हैंडलिंग प्लांट के बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक पल्वराइजिंग प्लांट। पल्वराइजिंग प्लांट में क्या होता है कि कोयला जैसे हमने तैयार कर लिया, क्रशर, सबसे पहले ब्रेकर या क्रशर, मैग्नेटिक सेपरेटर, ड्रायर, उसे सुखाने के बाद में, तो मान लो हमारा कोयला तैयार हो गया, उसके बाद में पल्वराइजर में भेजा जाता है, उसको पल्वराइज किया जाता है, यानी उसको बिल्कुल बारीक बारीक पाउडर के रूप में तैयार करते हैं। तो पल्वराइज करने के भी दो सिस्टम है, एक तो यूनिट सिस्टम और एक होता है सेंट्रल सिस्टम। अब यूनिट सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिट सिस्टम में तो क्या होता है कि हर एक फीडर के लिए अलग अलग पल्वराइजिंग मील होगी, जबकि सेंट्रल सिस्टम में चाहे कितनी ही फीडर हो लेकिन सेंट्रल यानी कि एक ही पल्वराइजिंग मील होगी। इसका सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है वो देख लो, ये वाला रो कोयल जो हमने क्रशर, ब्रेकर, ड्रायर इनके बाद में जो कोयला लाए थे उसको बोलेंगे रो कोयल, प्राइमरी क्रशर, मैग्नेटिक सेपरेटर और कोयल ड्रायर और कोयल बंकर तक हमने कोयला पहुंचा दिया। उसके बाद में पल्वराइज वाला सिस्टम आता है यहाँ से, ये तो कोयले हैंडलिंग प्लांट के अंदर ही है क्या, तो यूनिट सिस्टम। अब ये पार्ट है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है कि जो ये कोयला आ रहा है वो हर एक मील में, इनको हम फीडर बोल सकते हैं, तो तीन फीडर है, तीन फीडर से तीन पल्वराइजिंग मील्स में जाएगा, इसकी ये वाली, इसकी ये वाली, इसकी ये वाली, यानी कि अलग अलग पल्वराइजिंग मील का अलग अलग फीडर है। और फिर ये यहाँ से कहाँ पर जा रहा है, बर्नर पर, और बर्नर में, बर्नर के बाद में ये फर्नेस में जा रहा है। फर्नेस ये वाली जो हमारी है ये फर्नेस, फर्नेस में क्या होता है, फर्नेस में जो सेकेंडरी एयर आएगी यानी कि इसमें जो उपस्थित हवा है उसकी उपस्थिति में कोयले का दहन हो जाता है, और कोयले का दहन होगा तो आग जलेगी, और उससे क्या होगा, बॉयलर में उपस्थित पानी होगा, वो पानी जो ट्यूब्स होगी उनमें पानी होगा और वो पानी गर्म होगा जिससे स्टीम एनर्जी जनरेट होगी, यही। और स्टीम एनर्जी तो हमें जनरेट करनी है कोयले से, तो ये अगर सेंट्रल सिस्टम की यहाँ बात करूँ तो कोयल इसके लिए यानी कि फीडर, लेकिन देखो एक फीडर है और सेंट्रल पल्वराइजर यानी कि एक ही मिल्स बनी हुई है, और फिर ये यहाँ से अलग अलग बर्नर्स में चलेगी फीडर, फिर यहाँ से ये तीन बर्नर में यहाँ डिवाइड कर दिया, लेकिन पल्वराइजिंग मिल तो हमारी एक ही है, तो ये सेंट्रल मिल। अगर यूनिट सिस्टम की बात करूँ तो यूनिट सिस्टम में अलग अलग पल्वराइजिंग मिल होगी हर एक भट्टी के लिए, जैसा ये बता दिया मैंने, ये यहाँ पे, अलग अलग फर्नेस के लिए अलग अलग पल्वराइजिंग मिल होती है। कोयल फ्लो के लिए यानी कि जो कोयला यहाँ से यहाँ तक आ रहा है उसके लिए इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का प्रयोग किया जाता है। चार पांच प्रकार के ड्राफ्ट फैन होते हैं, लेकिन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और फोर्स ड्राफ्ट फैन ये सारे पढ़ाऊंगी, तो ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन जो कि इसको खींचता है हवा को, और हवा को खींच के कहाँ लेके जाएगा, कोयले के पास में, ताकि कोयला आसानी से सूख सके और उसमें के अंदर जो भी नमी है, अब कोयले में जितनी कम नमी होगी या जितना अधिक सूखा होगा उतना ही वो अधिक जलेगा, तो इस वजह से इंड्यूस ड्राफ्ट फैन का उपयोग करते हैं कोयले को फ्लो कराने के लिए। कोयले के फीडर पर जो एयर होगी उसमें कोयले के फीडर में क्या होगी, एयर और फ्लू गैसेज, फ्लू गैसेज में भी हीट होती है, जब गर्म हवा और फ्लू गैसेज निकालते हैं तो कोयला आसानी से सूख जाता है, फिर फीडर से कोयला पल्वराइजिंग मिल में जाता है और वहाँ पर पल्वराइज्ड होता है। पल्वराइजिंग मिल में मतलब क्या होता है, वो बारीक बारीक पाउडर के रूप में हो जाता है, उसके पश्चात कहाँ आ रहा है, बर्नर में, बर्नर में क्या होता है उसकी प्राइमरी एयर होती है उसकी मिक्स कर ले जाती है, अब वो बारीक पाउडर और वो जो एयर है वो मिक्स हो जाती है बर्नर से, के बाद में वो कोयला और जो एयर का मिश्रण है यानी पाउडर और एयर का जो मिश्रण है उसको कहाँ भेजा जाता है, फर्नेस में, और फर्नेस में क्या होता है कि जो सेकेंडरी हवा यानी कि फर्नेस के चारों तरफ की हवा वो सेकेंडरी हो गई, जो बर्नर में थी वो प्राइमरी हो गई, तो उस सेकेंडरी हवा की उपस्थिति में उसका दहन हो जाता है, और कोयले का दहन होता है तो ट्यूब्स में उपस्थित पानी गर्म होता है और उनसे स्टीम एनर्जी जनरेट होती है। ये इसका सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम, रो कोयला आ रहा है बंकर से, कहाँ जा रहा है, फीडर में, फीडर के बाद में पल्वराइजिंग मिल,
फिटर में क्या था, एक एयर गे वो सॉरी हॉट एयर और फ्लू गैसेस भी एंटर करा देते हैं ताकि कोयला आसानी से सूख सके। फिर ये पल्वराइजिंग मिल, एक पल्वराइजिंग मिल के बाद में इंड्यूस ड्राफ्ट फैन ताकि ये कोयले को आसानी से खींच सके। फिर उसके बाद में प्राइमरी एयर आ जाती है, जो पल्वराइजिंग मिल के बाद में पाउडर आ जाए, पाउडर के रूप में पाउडर और एयर को बर्नर में भेजा जाता है। फिर उसके बाद में सेकेंडरी एयर और सेकेंडरी एयर की उपस्थिति में इसका इस फर्नेस में इसका दहन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्री हीटेड सेकेंडरी एयर। अगर हम सेंट्रल सिस्टम की बात करें तो ये सेंट्रल सिस्टम रहा, रो कोयल बंकर, कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा को तो बाहर और हॉट एयर इसके अंदर ताकि कोयला आसानी से, इंड्यूस ड्राफ्ट फैन इसमें भी लगा रखा है, कोयला पल्वराइजिंग में सॉरी कोयला ये तो मैग्नेटिक सेपरेटर क्रशर इनका बता दिया, ये बनाना जरूरी नहीं है। तुम यहाँ से डायरेक्ट पल्वराइजिंग मिल बेल्ट कन्वेयर की सहायता से कोयला इन्होंने यहाँ पहुँचाया, तो ये थोड़ा सा डायग्राम इसमें ऐड कर दिया, तो चाहो तो तुम ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसको सिंपल सा इसकी तरह बनाना, फिर इसके नीचे पल्वराइजिंग मिल जोड़ना और इंड्यूस ड्राफ्ट फैन, ठीक है। तो ये सेंट्रल पल्वराइजिंग फ्यूल बंकर ये बना रखा ना यहाँ पे, पल्वराइजिंग फ्यूल फिटर, और फिर ये यहाँ से वही बर्नर में जाके इसका दहन हो रहा है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि सेंट्रल सिस्टम में प्रत्येक भट्टी के लिए या कितनी भी भट्टी हो उनके लिए ओनली एक ही पल्वराइजिंग मिल्स होती है, जबकि यहाँ डॉट डॉट का मतलब क्या है कि बहुत सारी पल्वराइजिंग मिल्स के लिए, बहुत सारी भट्टी के लिए बहुत सारी पल्वराइजिंग मिल हो सकती है, तो यह है सेंट्रल और इसको बीन सिस्टम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ यूनिट सिस्टम, ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये पावर सिस्टम की बुक में तुम्हें आसानी से मिल जाएगा सब। सेंट्रल सिस्टम यूनिट सिस्टम की अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो पल्वराइजर से जो कोयले का दहन होता है उसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर बॉयलर में या बॉयलर भट्टी है उसमें भी अगर हम कोयला उसको दे रहे हैं तो उसको भी आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना देना है कितना नहीं देना, क्योंकि हर एक पल्वराइजिंग मिल्स का हमारे पास में कंट्रोल होता है। यूनिट सिस्टम का डिसएडवांटेज यह है कि लोड फैक्टर सेंट्रल सिस्टम से ज़्यादा होता है, अगर सारी यूनिट्स की या सारी मिल्स की कैपेसिटी को हम टोटल करें तो लोड बदलता रहता है, जैसे पावर डिमांड करती है उसी हिसाब से लोड बदलता रहता है, इससे इसकी मिल्स की परफॉर्मेंस भी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो इंड्यूस ड्राफ्ट फैन है उनकी ब्लेड या उनके फैंस की ब्लेड्स को हवा और कोयले के कणों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका डायरेक्ट ही उनके ऊपर बहना होता है। तो सेंट्रल सिस्टम की बात करें तो इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमेशा ये सिस्टम रेटेड लोड पर काम करता है, चाहे प्लांट की लोड अधिक हो या कम हो लेकिन ये हमेशा रेटेड लोड पर चलता है, और इसकी कैपेसिटी भी रिजर्व होती है, रिजर्व टाइप कैपेसिटी होती है। रिजर्व टाइप कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसे हम हमारे हिसाब से शट डाउन कर सकते हैं। रिजर्व कैपेसिटी के टाइम पे पीक लोड द्वारा प्रयोग में ली जाती है, ये पीक लोड और बेस लोड तुम्हारे थर्ड ईयर में आएगा, इसमें भी बता दूंगी मैं, ठीक है। डिसएडवांटेज अगर सेंट्रल सिस्टम की बात करें तो अगर कोयला स्टोर लगा रखा रहे तो उसमें आग लगने की संभावना, ये तो बेसिक बेसिक सिंपल पॉइंट है वो तुम देख लेना, ठीक है। इसके बाद में अब ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और फोर्स ड्राफ्ट फैन मैंने बताया, तो ये ड्राफ्ट सिस्टम के अंदर आता है। तो इसके बाद में पल्वराइजिंग प्लांट, सबसे पहले कोयला आया कोयले हैंडलिंग प्लांट में हमने बता दिया कि कोयले को कैसे क्रशर किया, ब्रेकर, ड्रायर, मैग्नेटिक सेपरेटर, उसके बाद में फिर पल्वराइजिंग प्लांट में लेके गए, पल्वराइजिंग प्लांट में उसको बारीक बारीक चूर्ण या पाउडर के रूप में बिल्कुल पीस लिया। अब उसके भी दो यूनिट्स हैं जो मैंने बता दिए, यूनिट सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम, तो दोनों से क्या कैसे किया कोयले को बारीक रूप में बनाया। तो उसके बाद में है अगर हम बात करें ड्राफ्ट सिस्टम की या एस हैंडलिंग प्लांट दोनों में से, तो नेक्स्ट है ड्राफ्ट सिस्टम, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो ये है पल्वराइजिंग प्लांट्स।
ये बेल्ट कन्वेयर, बकेट कन्वेयर,